अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आमिल दरवेश चैनल में खुश आमदीद सैयद सुल्तान शाह की तरफ से हाजिर हैं। नाजरीन, आज जो अमल लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, इस अमल का आह्वान है एक दिन में प्यार को अपने प्यार को मजबूर करने देने वाला अमल। दोस्तों, एक दिन में प्यार करने पर मजबूर कर देने वाला ये अमल है, और किसी को भी आप अपने प्यार में ला सकते हैं, उसको अपने साथ प्यार करने पर मजबूर कर सकते हैं। चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, मियाँ हो, बीवी हो, बीवी अपने शोहर के लिए, शोहर अपनी बीवी के लिए इस अमल कर सकता है। कोई लड़का किसी लड़की के लिए और कोई लड़की किसी लड़के के लिए इस अमल को कर सकती है। या आप किसी के लिए भी इस अमल कर सकते हैं, अपने माँ बाप, बहन भाई, दोस्त अहबाब, जिसके लिए इस अमल को करना चाहे कर सकते हैं। वो एक दिन में आपसे प्यार करने पर मजबूर हो जाएगा। ये ऐसा ताकतवर मजमूदा तवीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। बहुत ही पावरफुल अमल है, अजमूदा अमल है, और बहुत ही ज़्यादा लोगों ने इस अमल को किया हमारे कहने पर, और इसमें कामयाबी हासिल की। और आज आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ ताकि आप इस अमल को कर सकें, और आप किसी और अमल को देखने या उसको करने की आपको ज़रूरत ना पड़े। आप इस अमल को करेंगे 100% कामयाबी होगी। अगर जो मेरे बहन भाई अमल को कर करके थक चुके और उनको अभी तक कामयाबी नहीं हुई, और वो अमलियात की दुनिया से उनका दिमाग ही उठ गया है, उनका यकीन ही उठ गया है कि वो अमलियात की दुनिया में कोई भी ऐसा अमल नहीं, तो दोस्तों, वो एक दफ़ा मेरे कहने पर इस अमल को कर लें। बहुत ही पावरफुल अमल है, आसान अमल है, कामयाबी आपका 100% मुकद्दर होगी। किस तरह ये अमल करना है और किसी को भी एक दिन में प्यार करने पर मजबूर करने वाला ये अमल करना है, मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। आपने वीडियो के अंत तक लाजमी देख लेना है ताकि आपको अमल की सही तरह से समझ आ सके, और इस अमल को करके आप किसी को भी अपने प्यार में, मोहब्बत में पागल कर सकें। चलें दोस्तों, बगैर टाइम ज़ाया किए अमल की तरफ चलते हैं। अमल की तरफ जाने से पहले मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है, अगर आप मेरी वीडियो पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे। चलें दोस्तों, अमल की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये बात आपको बताता चलूँ कि इस अमल को मुस्लिम, गैर मुस्लिम दोनों कर सकते हैं। किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो, सिख हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, कोई भी इस अमल को कर सकता है। मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, मर्द हो, औरत हो, कोई भी इस अमल को कर सकती है। किसी भी उम्र का अफराद, लड़की लड़का इस अमल को कर सकता है। हम लोग को अपने जब भी करना है हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके हमसे इजाज़ लेकर करना है। इजाज़ लेने का आपको ये फ़ायदा होगा कि हमारी पोशीदा ताकतें आपकी हिफाजत ही रहेंगी, और आपको अमल में 100% कामयाबी होगी। अमल में कामयाबी ही होगी, रजत नहीं होगी, नाकामी नहीं होगी। अमल का दोस्तों जो टाइम है वो कोई मखसूस नहीं है, ना ही कोई टाइम है, ना ही कोई दिन मखसूस है। आपके पास जब टाइम हो, जिस दिन टाइम, आप इस अमल को कर सकते हैं, और ना ही कोई चांद की तरीका हिसाब है। आपने अमल में करना क्या है, बहुत ही आसान अमल है, बहुत ही मुजरबा अमल है। ये छोटा सा तवीज़ आपने खुद बना लेना है, ज़ाफ़रान या अरके गुलाब के साथ बना लें इसको। अगर ये आपको मिल जाए, अगर आप इसके साथ बना सकते हैं, तो ज़ाफ़रान और अरके गुलाब के साथ इसको बना लें, कि ज़ाफ़रान को ले आएँ और अरके गुलाब में उसको भिगो के उसमें पैन में शाही भर के ये तवीज़ बना लें दोस्तों, अगर बना सकते हैं। अगर नहीं तो दोस्तों, आपने इस तवीज़ को सिर्फ और सिर्फ काले रंग की किसी भी मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन के साथ बना लेना है, काले रंग की हो, इसके अलावा और कोई नहीं। दोस्तों, जब आप बना लेंगे, बनाने के बाद अगर कोई लड़का किसी लड़की के लिए कर रहा है, ये शोहर अपनी बीवी के लिए कर रहा है, तो वो करेगा क्या, यहाँ पर अपना नाम लिखेगा, बिल लगाकर अपनी माँ का नाम लिखेगा। खूब लाजमी लिखना है, दरमियान में खूब लाजमी लिखना है, यहाँ पर अपनी बीवी या उस लड़की का नाम जिसके लिए वो कर रहा है, बिन की जगह बिनते, लड़की के लिए बिनते, लड़के के लिए बिन, और यहाँ पर अपनी बीवी या उस लड़की का नाम लिख देगा जिसके लिए वो कर रहा है। अगर शोहर बीवी अपने शोहर के लिए कर रही है और लड़की किसी लड़के के लिए कर रही है, तो लड़की अपना नाम बिनते लगाकर अपनी माँ का नाम खूब लाजमी लिखना है, यहाँ पर लड़के का नाम बिन लगाकर लड़के की माँ का नाम लिख देगी। जब लिख देगी, उसके बाद आपने करना क्या है कि इस तवीज़ को आपने फोल्ड करके किसी भी कपड़े में इसको सिलाई करके इसको अपने बाजू के साथ बांध लेना है, बाजू के साथ बांध लेना है। बाजू के साथ नहीं बांधना चाहते तो आप इसको अपने गले में भी लटका सकते हैं, अपने गले में भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो आखिरी ये है कि आप इसको अपने पर्स या अपने किसी जेब में रख लें, जिसके साथ ये हर वक्त आपके साथ ही जुड़ा रहे। नहीं तो ज़्यादा बेहतर है इसको अपनी बाजू के साथ बांध लें। सबसे पहला यही है कि इसको अपनी बाजू के साथ बांध लें या अपने गले में डाल लें। अगर मजबूरी के तौर पर, किसी की मजबूरी के तहत आप नहीं बांध सकते या नहीं अपने गले में डाल सकते, तो फिर अपने पर्स या जेब में इसको रख सकते हैं। रख लेंगे दोस्तों, आप इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे के अंदर अंदर देखेंगे। 24 घंटे आपने इसको अपनी बाजू के साथ अपने गले में पहने रखना है। उसके बाद अगर आप इसको उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, नहीं तो इसको पहने रखें दोस्तों।
आपको 100% कामयाबी होगी 24 घंटे के अंदर अंदर। इस अमल को करें, इसमें कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, अगर कोई मेरा बहन भाई इस अमल को खुद नहीं करना चाहता तो वो हमसे भी अमल करवा सकता है, उसका काम 100% गारंटी से होगा। दोस्तों, अगर आप ये अमल खुद कर रहे हैं तो इस अमल को करने के दौरान आपको कोई मसला परेशानी है या अमल में कामयाबी ना हो तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। दोस्तों, ये था हमारा आज का सामसा अमल। जल्द नए अमल के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।